हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप के सारे लड़कों ने आपको किया सलाम। सीन कुछ ऐसा है जो थंबनेल देखकर आप आए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं आपको बताऊं कि हम करने क्या वाले हैं। आज का सारा ब्लॉग होने वाला है माँ सफदर की परफ्यूम के अनबॉक्सिंग पर, और उसका हम आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे और बताएंगे भी कि कैसा है कैसा नहीं। एक ही बात हो गई रिव्यू और बताना, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल ज्वाइन नहीं करा तो यार कर लो यार, लाइक और सब्सक्राइब भी करना होता है। और अगर तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वीडियो आपके पास आएगी कैसे? देखो, मैं अपने फायदे के लिए तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ, ये आप लोगों के फायदे के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे ना, अगर सब्सक्राइब तुमने कर दिया तो घंटी दबा दी, बस आपने सिर्फ छोटा सा काम करना है भाई का, आपने सब्सक्राइब करना है, घंटी पे क्लिक करना है और आपके पास आ जानी है मेरी वीडियो। तो अभी करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए माँ सफदर के परफ्यूम की अनबॉक्सिंग, जो कि हम लाए थे एक दो दिन पहले, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो अभी करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। दिल से अदिल जी भाई, क्या कर रहे हो आप? ये हम थोड़ा सा ले रहे हैं डाइट अपना। डाइट ले रहे हो? तुम इतने बड़े हो गए डाइट लोगे? नेचुरल डाइट ले रहे हैं। क्या है? स्वीट पोटैटो। ये हमारे उमर भाई, उमर कैसे हो आप? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट, और आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। परफ्यूम है, तेज तेज परफ्यूम है। हाँ तो भाई चेक कर रहे हो आप लोग? तो सीन कुछ ऐसा है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार ये मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो पिछले ब्लॉग में भी दे रहा था तो यार मजा नहीं आता, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं। तो आज वही वीडियो होने वाली है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है और आप लोगों को भी पता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करने जा रहे हैं माँ सफदर के परफ्यूम की अनबॉक्सिंग, लेकिन अगर मैं इसको यूं करके अनबॉक्स कर दूँ तो मज़ा नहीं आएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने सिनेमैटिक्स से, और ये हमारे उमर भाई जो है यहाँ स्ट्रिंग पी रहे हैं और मेरी वीडियो कर रहे हैं ख़राब। कोई नहीं, हम निकालते हैं इसके सबसे पहले सिनेमैटिक्स, उसके बाद फिर हम करेंगे अनबॉक्सिंग, वरना मज़ा नहीं आएगा उस्ताद से। मजे लो ना तीसरे पे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे माँ सफदर के शॉप की। ठीक, देखो भाई, मुझे तो लाइफ में पहली बार ऐसा ब्रांड नजर आया है जहाँ पे मतलब ब्लॉगिंग भी अलाउ है। जब मतलब मैं जा रहा था मुझे नहीं लग रहा था कि यार वहाँ ब्लॉग अलाउ होगा या नहीं अलाउ होगा या परमिशन लेनी पड़ेगी किसी से, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अब गए हो वहाँ, डायरेक्ट आपने कैमरा निकाले, हम लोग बना लो, अपना मसला नहीं है आपने कोई, और लाइफ में पहली बार ऐसा ब्रांड दिख रहा है, हम लोग को भी पता होगा ना। आप कहीं भी जाओगे सबसे पहले आपको क्या कहा जाएगा? ब्लॉगिंग अलाउ नहीं है भाई, मोबाइल जेब में रखो फिर आना। तो अब हम बात करते हैं वहाँ के जो सेलर हैं, वो आपसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं ना, अगर आपको परफ्यूम पसंद भी नहीं आ रहा ना तो आपको मतलब वो इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो शायद मेरे हिसाब से आप लोग लेके चले जाएं। मुझे तो ऑनेस्टली उनके जो सेलर थे वो भी बहुत अच्छे लगे, और उनके तो परफ्यूम की बात ही अलग है। हम करने जा रहे हैं उनकी अनबॉक्सिंग, और तो सबसे पहले हम बात करेंगे माँ सफदर के इस टैग की, ये जो मार्कोर का जो टैग है और एम एस ब्रांड है, तो आपको तो पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं इस बॉक्स की। तो सबसे पहले आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा होगा, जिस नहीं आपको नजर आ ही रहा है कि ये कितना स्टाइलिश टाइप का बना हुआ है। करें इसकी अनबॉक्सिंग। बिस्मिल्लाह। आप इसकी इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग ये पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है किस तरह ये यूज करना है किस तरह नहीं, यहाँ पे आपको साइड पे नजर आ रही होंगी दूसरे एंगल से। बाकी हम बात करेंगे इसके परफ्यूम की, M2 की। M2 इज द बेस्ट परफ्यूम, क्योंकि ये है मैन और हमने लिया है मैन ही। और अब हम बात करते हैं इसके परफ्यूम की। अच्छा था MS। तो अब हम बात कर रहे हैं मास सफदर की परफ्यूम की बोतल की। तो ये मेरे ख्याल से 25 ml है, इसमें जो 50 ml है वो है मेरे ख्याल से 3000 की, और ये हमें पड़ी है 1200 की, क्योंकि 20% ऑफ चल रहा था
और ये 1500 की वैसे, और हमें पड़ी थी 1200 की। जो 300 वाली थी उसकी कॉस्ट थी मेरे ख्याल से 2500। तो जिस हिसाब से मुझे लगता है कि यार मैंने जो अपने 1200 दिए हैं उसके हिसाब से बहुत बेस्ट है। इतनी सी बोतल है और मुझे नहीं लगता इतना अच्छा ब्रांड आपको इतनी अच्छी चीज़ दे सकता है। ये भी इसलिए कि मास सफर गए हैं बाहर, जैसे वो यहाँ लैंड हो गए, मेरे ख्याल से लैंड हो गए, तो इसकी कॉस्ट हो गई है 1500। अगर आप लोगों को जिनको नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने वाला ब्लॉग भी डाल दूंगा और मास सफर की शॉप की लोकेशन भी डाल दूंगा, तो आप लोग भी जाके परचेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1500 में। 1200 की यूँ पड़ी थी क्योंकि 20% ऑफ चल रहा था। अभी जाएँ बहुत बेस्ट परफ्यूम है, और अभी मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ और आपको ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगा। मैं तो समझा वो नहीं होता था यार बॉडी स्प्रे जो बफे में मारते तो लड़कियां आ जाती हैं, वो सीन होगा। पर क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सो परफ्यूम इसका बहुत बेस्ट है, मैं तो जितनी तारीफ करूं कम है। बाकी भी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, अगर आप लोग देखना चाहें तो वहां पे भी देख सकते हैं, सब आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। इतनी सी कॉस्ट में इतना बेस्ट परफ्यूम मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं लिया, और अभी मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू हमारे अदिल भी देंगे, तो अदिल को मैं बुलाता हूं, वो भी आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। और सो अदिल हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पे, तो चेयर हमारे पास नहीं थी पर मैं मैनेज कर रहा हूँ। अदिल ये है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आपने ना इसका ऑनेस्ट रिव्यू देना है सीरियस कैमरे की तरफ देख के, ठीक है? कुछ करूं मैं आप पे कुछ करूं? ओ भाई साहब क्या कह रहे हो, कुछ ज्यादा ही तो ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला ही है, क्योंकि मैंने इसकी नाक पे कुछ करके चक्कर बन गया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, जिंदा जिंदा जिंदा। ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट ऑन कैमरा, ये भाई वो मैटर करता है ब्रांड पे। आप 2 रुपए की भी चीज पहनते हो लेकिन जब आप ब्रांड की पहनते हो तो ब्रांड बात पॉइंट की करता है, काम का बंदा नहीं है, बातें पॉइंट की करता है। तो भाई आपको अदिल ने भी ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया है, और बाकी अगर आपको और ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, बंदा आपको मास सफर की तारीफ ही करेगा और कुछ नहीं, जैसा कि मेरे पिछली वीडियो पे व्यूज भी अच्छे आ चुके हैं। बाकी वीडियो इसलिए लेट हो गई क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। अदिल आज आपको पता है आज क्या था? यार बेसिकली आज था अल्लामा इकबाल जो थे वो आज के दिन पैदा हुए थे, और वही थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने का जो ख्वाब था वो तस्वूर किया, और गाजी आजम मोहम्मद जीना को उन्होंने ही बताया कि भाई पाकिस्तान बनाना है। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सिर्फ इंडिया में ऐसे ही आ गए। उनकी तो अलग दोस्ती, उनकी अलग दोस्ती हो, मैं चाहता हूँ कि हमारी भी ऐसी दोस्ती हो कि एक एक जो है ना दोस्त ख्वाब देखे और दूसरा उसको पूरा करे। मैं भी तो ख्वाब देख रहा हूँ, वो तो पूरे ही नहीं हो रहे। आप मुझे थोड़ी बता रहे हो, आप तो ख्वाब देख के अपने ही दबाई डाल रहे हो। ख्वाब देख रहा हूँ पता नहीं पूरे ही नहीं हो रहे, क्या करें। मनोज भाई को सब्सक्राइब करें और इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये और मैं क्या, ये मेरे से ज्यादा मेहनत करते हैं और आप लोगों के लिए करते हैं, आप लोगों की मदद के लिए, और जितना ये भाई करते हैं तो आप ही लोगों के लिए करते हैं। हालांकि इसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की, इसमें अगर अल्तमाश भाई को और जितना आप सपोर्ट करेंगे ये उतने नए नए कॉन्टेक्ट लेके आएंगे, आज सफदर के अलावा और भी ब्रांड वगैरह में जाएंगे। लेकिन जब तक आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो अल्तमाश भाई मुश्किल है कि ये जाते हैं। क्या हुआ अदिल भाई, क्या हुआ? राहुल राठौड़ के तुमने मुझे खराब कर दिया उस्ताद। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, गलत कर दिया तुमने भाई। आप क्या गलत करा अल्तमाश भाई आपने यार, मैंने क्या गलत किया? मैंने भी हमारे साथ वही फ्रेग्रेंस की जो ना खुशबू आ रही है यार, मैंने कुछ गलत नहीं करा, सिर्फ मास सदर की जो फ्रेग्रेंस थी आपने देखा, मैंने कुछ गलत करा? इसमें क्या गलत था? आप लोगों ने ऑनेस्ट रिव्यू देना था, आपने ऑनेस्ट रिव्यू देना था, हमने ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया, आपने हमारे साथ ऑनेस्ट रिव्यू कर लिया। अब हम क्या देखो भाई, अब मैं इसको सही से टेस्ट नहीं कराता तो ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दे पाता। अभी कैसा है आपका? बस सही है, गुजारा है। हाँ तो मैंने गलत किया 12 दिन के साथ, लेकिन कोई नहीं, होता है, समझा करो बात, नहीं निकला करो रात को। उमर भाई आपको कुछ कहना चाहते हैं? उमर भाई कहो क्या कहना है, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब।
आप कर देना लाजमी जो इन्होंने बोला है। सही है उमर? सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज। बोलो गाइस, जैसे कि आपको मैंने इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया है, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा रिव्यू देने नहीं आ रहा था, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो परफ्यूम इज़ बेस्ट और इतनी कॉस्ट में तो बहुत अच्छा परफ्यूम है ये, ठीक है ना। बाकी आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना आज का व्लॉग, क्योंकि इतना खास नहीं था, क्योंकि मैंने सिर्फ रिव्यू वीडियो बनानी थी। मैं पिछली वीडियो में भी कह देता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वीडियो में दोनों सीधी हो जाती, सीधी सी बात कहूँ तो कॉन्टेंट नहीं था, ठीक है ना। और आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, होगा फिर। Fearless.